मंडी की सुविधा नहीं मिलने और इस साल कीमत में गिरावट आने के चलते बिहार मिथिलांचल के किसान परेशान हैं। कटिहार जिले के मखाना की खेती हर साल की तुलना में अधिक होती है, लेकिन उन्हें इस बार उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। बता दें कि बिहार के दरभंगा क्षेत्र में मखाना उत्पादन को देखते हुए मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र के स्थापित होने के बाद मखाना की खेती में बदलाव जरूर आया, लेकिन बाजार नहीं मिल पाने के कारण किसान परेशान हैं। दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया सहित 10 जिलों में मखाना की खेती होती है। को हम वो तस्वीर दिखाएंगे मखाना के फल के। ये देखिए कि मखाना का जो ये फल है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये बिल्कुल अभी छोटा सा फल है, ये मखाना का फल है, आप इसको देख सकते हैं पूरी तरह से। ये मखाना का फल है, फिर ये फल जो है पूरी तरह से पक जाता है, पक के जो है मिट्टी में पूरी तरह से फट के मिल जाता है, फिर मजदूर जाते हैं उसको मिट्टी से निकालते हैं निचोड़ कर। ये फल अभी इसको समय अभी कितना समय लगेगा इसको तैयार होने में? कम से कम ये फटने में और 20 दिन लगेगा। 20 दिन लगेगा। अच्छा, ये जो फट जाता है मिट्टी में मिल जाता है ये फट कर, फिर इसको कैसे निकाला जाता है? वो गंजा रहता है वो लोग का, बांस का, उसी से निकालते हैं। बांस का जो है टोकरी की तरह गंजा, टोकरी का जाता है, उसी से निकाला जाता है। काला कितना खेती किए हैं मखाना के? वही 5-6 बीघा। 5-6 बीघा किए हैं। तो क्या उम्मीद लग रहा है कि इस बार का क्या लगेगा रेट में? जिस उम्मीद से आप लोग इस बार खेती किए हैं, लग रहा है कि उम्मीद आप लोगों की सफलता मिलेगी उसमें? अब देखो क्या होता है आगे चल कर, अभी तो फिलहाल रेटे नहीं है, रेट नहीं है। इस बार भैया आप लोग मक्का फसल छोड़ कर सुन रहे हैं कि जो है मखाना खेती में ज्यादा ध्यान दिए हैं? हाँ, बात तो सही है, पर इसमें लगता है उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है, अभी 7,500 रुपया कुंटल बोल रहा है। अच्छा, तो इस तरह की गिरावट क्यों आई है रेट में? पता नहीं, बिजनेस बंद होगा शायद। अच्छा, बिजनेस बंद होगा। तो क्या उम्मीद से आप लोग किस खेती को किए थे, किस उम्मीद से? अगला भविष्य ठीक था इसका, अगला साल इसका 16,500-17,000 से स्टार्टिंग था, इस बार 7,000-7,500 से स्टार्टिंग है। अच्छा, तो आप लोग जो इस तरह की खेती करते हैं तो क्या सरकार से कोई मुआवजा वगैरह की कोई प्रावधान कुछ मिलता? कोई मतलब कुछ नहीं, सुविधा नहीं है सरकार का, इसमें कोई सुविधा नहीं है। इस इलाका में किसान जो है मखाना खेती करते हैं, कम बेसी सब खेती करते हैं मखाना। खाना तो 11 बीघा है। 11 बीघा है। तो क्या इस बार लग रहा है कि रेट उठ मिलेगा सही? बहुत नुकसान इस बार, पिछले साल के अनुपात जो इस साल जो है। अच्छा। मखाना का रेट मतलब 3 हिस्सा करके 1 हिस्सा है। अच्छा, पिछले साल 19,000-20,000 से स्टार्टिंग हुआ था, इस बार अभी 8,000-9,000 से स्टार्टिंग है मखाना। अच्छा। बहुत स्थिति का, और पिछले साल मानसून जो है 1-1.5 महीना पहले आया था तो किसान को बहुत फायदा हुआ था, इस बार पानी पड़ाते किसान तबाह तबाह हो गए बिल्कुल, इसलिए किसान को बहुत बड़ा नुकसान होगा इस बार मखाना में। तो लग रहा है ना इस तरह की जो आप लोग खेती करते हैं इस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए? बिल्कुल ध्यान देनी चाहिए सरकार से, हम यही अपील करेंगे कि मखाना जो विदेश सप्लाई जो होता है पर जो है थोड़ा सा को तेजी लाया जाए, विदेश के आदमी से बात किया जाए सरकार को, और जो लावा का रेट जो अभी बिल्कुल गिरा हुआ 250-200 रुपया किलो। हाँ, घर हुआ आप लोगों का? हमारा दरभंगा। दरभंगा अभी कहाँ है आप लोग? यहाँ गेरावाड़ी, मैंने ये पूर्णिया, कटिहार जिला है। कटिहार जिला है। हाँ, हाँ। कटिहार। अच्छा, कब से है यहाँ आप लोग? यहाँ तो 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया। अच्छा, किस हिसाब से आप लोग यहाँ इस तरह का काम करते हैं, मजदूरी पे हैं या फिर ठेका लेके, किस तरह से काम? मजदूरी पे है। अच्छा, कितनी मजदूरी मिलती है आप लोगों को? ठेका है। अच्छा, ठेका पे है। अच्छा, साल में कितने महीना रहते हैं यहाँ आप लोग? ये हमारा पता नहीं है। आपको पता नहीं है? आपका क्या काम है यहाँ? यही पुरने का। पुरने का। सकते हैं कि ये देखिए कि मखाना को जो है ये तस्वीर है, ये देखिए कि मखाना को किस तरह से, देखिए कि वो कढ़ाई में देखिए किस तरह से उसको तैयार किया जाता है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से मखाना को तैयार किया जाता है। अब लोग जो है पूरी तरह से एक अच्छा बिजनेस, अच्छा इनकम का स्रोत हासिल कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से।